हेलो दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे मैथ की समस्या। तो चलो पहले समस्या को समझते हैं और उसके बाद में उसका कैटेगरी सॉल्यूशन करेंगे। मैथ की समस्या है व्हेन n माइनस 4 इसकी होल पावर 4 इक्वल टू n की पावर 4 देन n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब अपने को क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखो, इधर यहाँ n माइनस 4 इसकी होल पावर कितनी है, 4 बराबर n की पावर 4। अब क्या करेंगे अपन, कैसे करेंगे इसको सोल्व, आपको कोई अंदाजा हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इसका आंसर इस प्रकार से लाया जा सकता है। कर दिया कमेंट, चलो अब देखते हैं कैसे होगा। कैसे होगा, n माइनस 4 इसकी और पावर है 4 बराबर n की पावर 4। हाँ, इसका क्या करेंगे अपन, वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, मूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे इसका। तो रूट के अंदर n माइनस 4 इसकी होल पावर 4 इक्वल टू n की पावर 4 इसकी ऊपर रूट। ठीक है, अब यदि आपने सीखा है तो अच्छी बात, नहीं सीखा हो तो क्या होता है फ्रेंड्स, यदि अगर अपन किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं, जैसे यह रूट है x है तो इसका वर्गमूल ले लिया अपन ने, तो ये रूट को अगर अपन हटाना चाहे और इसको घात के रूप में लिखना चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, x की पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट x को। तो कुछ ऐसा ही अपन यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे अपन, n माइनस 4 इसकी होल पावर कितनी है 4, इसकी होल पावर कितनी लग जाएगी 1/2। क्या लग जाएगी, 1/2 इक्वल टू रूट n की पावर 4, इसकी भी क्या लग जाएगी n की पावर 4, इसकी होल पावर कितनी लग जाएगी 1/2। अब यहां पर अपन एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब आपने एक फॉर्मूला और सीखा होगा, a की पावर m इसकी होल पावर n हो तो क्या होता है, a की पावर m गुणा n हो जाता है। क्या हो जाता है, a की पावर m इसकी होल पावर n होता है तो क्या होता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर अपन इस फॉर्मूले से यहाँ इसको सोल्व करेंगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इधर सोल्व करेंगे अपन, n माइनस 4 इसकी होल पावर कितनी है 4, इसकी होल पावर कितनी है 1/2, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 इक्वल टू n की पावर 4 है और इसकी होल पावर कितनी थी 1/2, तो 4 इंटू 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो अब यहां से ये मल्टीप्लाई में, तो यहां से 2 से ये कितने बार कटेगा, 2 बार, तो n माइनस 4 इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 2 इक्वल टू, यहां से ये कटेगा 4 तो 2, तो n इक्वल n की पावर कितनी आ जाएगी 2। अब आ गया n माइनस 4 इसकी होल पावर कितनी है 2 इक्वल टू n स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपन, यहां पर अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, घातांकों में के a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अपन यहां पर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे यहां पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे a का मान कितना है n और b का मान कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान कितना है n गुणा b का मान कितना है 4 इक्वल टू n स्क्वायर, ये सेम रह जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इधर भी n स्क्वायर है और इधर भी n स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का सिंबल भी क्या है, सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर के अंदर हो और सेम ही क्वांटिटी हो तो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर, इसको यहाँ ले लेते हैं अपन, 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4 यानी कि 8 n इक्वल टू कितना जाएगा 0। अब यहां से अपन इसको इधर ले जाएंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो 8 n, n इक्वल टू कितना जाएगा, यहां से 16 डिवाइड बाय 8 बराबर 2, तो n बराबर कितना आया यहां से फ्रेंड्स, 2। ऐसा ही आपके समझ में भी आएगा और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसा ही मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।